सिंह राशि वालों का जो आने वाले टाइम में शुक्र है, बिजनेस हाउस का मालिक बिजनेस हाउस में आ रहा है। शुक्र और गुरु जो हैं दोनों टॉरस में रहेंगे 19 मई से 12 जून। तो इस धरती पे जितने भी सिंह राशि वाले हैं, अगर उनका कोई सेटलमेंट ऑफ लाइफ होना है तो 19 मई से 12 जून के बीच में होगा, या 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, जो चंद्र गुरु दोनों टॉरस में होंगे। और मंगल जो है भाग्य भाव का मालिक भाग्य भाव में आ रहा है सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वालों का, सिंह राशि वालों के लिए है भगवान सूर्य। सूर्य बिजनेस हाउस में आ रहा है 14 मई से 15 जून। इस धरती पे जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनका अगर कोई सेटलमेंट लाइफ होगा तो 14 मई से 15 जून के बीच में पूरी ज़िंदगी में जो भी सेटलमेंट होगा 14 मई से 15 जून के बीच में, इस धरती पे जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनको जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा कमाई के जरिया, सूर्य देता है एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट से, सरकार से, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी। 15 जून से 16 जुलाई के बीच में, 15 जून से 16 जुलाई के बीच में हर साल हमेशा जो सिंह राशि वाले हैं उनका इनकम का नया जरिया जो है बनता है। और मंगल जो है, मंगल सिंह वालों के भाग्य भाव में आ रहा है 1 जून से 12 जुलाई। तो 1 जून से 12 जुलाई जो है लक अदर्से थिंग जो है इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइट, नेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, घर, अपना नया घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद का योग भी बनता है। भूमि से लाभ मिथुन वालों के इनकम हाउस में, सिंह वालों के भाग्य भाव में। तो 1 जून से 12 जुलाई में घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद, लक अदर्से थिंग जो है इंटेलिजेंसी, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। और मंगल जो है टॉरस में चलेगा, मंगल गुरु इकट्ठे हैं 12 जुलाई से 26 अगस्त। उम्मीद करो 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में इस धरती पर जितने भी सिंह वाले हैं उनका अपना नए घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद, ऑफिस का योग बन गया, क्योंकि मंगल गुरु दोनों जो है वृष राशि में इकट्ठे होंगे 12 जुलाई से 26 अगस्त। 12 जुलाई से 26 अगस्त में अपना नया घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद बन जाएगा। इनकम हाउस में मंगल आ रहा है 26 अगस्त से 20 अक्टूबर। 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच में सिंह वालों का एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम, और 7 दिसंबर से 21 जनवरी 2025 में न्यू सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि मंगल वक्री होएगा कर्क में। मंगल वक्री होके कर्क में 7 दिसंबर को मंगल वक्री हो रहा है, और मंगल वक्री होके इनकम हाउस में मिथुन में आएगा 21 जनवरी को 2025, 24 फरवरी 2025 तक यही है। तो 3 अप्रैल 2025 तक इनकम के लिए जो है ना जो मंगल है वो बेटर देन बेस्ट है सिंह वालों के लिए। 10 मई 18:52 पे मिथुन वालों के बुध इनकम हाउस में आ रहा है। 10 मई से 31 मई में न्यू सोर्स ऑफ इनकम की पॉसिबिलिटी बन गई। बुध मिथुन में है 14 जून से 29 जून। 14 जून से 29 जून में मिथुन से तो बेटर देन बेस्ट हो गया, बुध मिथुन में है, सिंह से इनकम हाउस में हो गया। तो 14 जून से 29 जून के बीच में इस धरती पे जितने भी सिंह वाले हैं दे विल हैव ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम जो आगे लंबे टाइम तक चलने की संभावना है। तो मिथुन का बुध जो है 14 जून से 29 जून जो है वो बेटर देन बेस्ट। और उसके बाद गुरु, गुरु जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी में सिंह वालों के जुपिटर देखेगा भाग्य भाव को। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 में सिंह वालों की विदेश यात्रा हो सकती है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, कहीं पे भी कोई बाहर का वीज़ा लग सकता है, पासपोर्ट बन सकता है विदेश का। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 में सिंह वालों के लिए बैंथू लक अदर से थिंग जो इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोरसाइट, नेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। मिथुन वालों के लिए बैंथू ब्रांड, बैंथू सोसाइटी कंप्लीशन, रिजायर्ड सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैंथू एल्डर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। इस धरती पे जितने भी मिथुन वाले हैं उन्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 में, क्योंकि जुपिटर जो है 12वें घर में होके रेट्रोग्रेड होके मेष राशि को देखेगा। तो टेक्निकली 1 मई के बाद इनका घर, गाड़ी, फार्म हाउस, जमीन जायदाद, व्यापार का योग अच्छा बन गया, और 4 फरवरी 2025 के बाद और 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 में इनकम के लिए बेटर देन बेस्ट, बच्चों के लिए बेटर देन बेस्ट, संतान के लिए भी अच्छा है, इनकम के लिए भी अच्छा है। बैंथू फ्रेंड, बैंथू सोसाइटी कंप्लीशन, डिजायर सक्सेसफुल,
4 फरवरी 2025 के बाद कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा सिंह वालों का जो 12 साल चलेगा, और गुरु वक्री हो रहा है 11 मार्च 2026 से 2 जून 2026 वक्री होके गुरु जो है ना फिर मिथुन में आ जाएगा 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 2 जून 2026। तो ये भी इस टाइम पे कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा जो 12 साल चलेगा, 24 साल चलेगा, 36 साल चलेगा, न्यू सोर्स ऑफ इनकम आएगा जब गुरु मिथुन में आएगा टेक्निकली 11 के बाद और 9 अक्टूबर 2025 के बाद न्यू सोर्स ऑफ इनकम। शुक्र जो है 19 मई से 12 जून में बिजनेस हाउस में आ रहा है। 19 मई से 12 जून में सिंह वालों का अपना कोई जो है ना बिजनेस ऑफिस बन सकता है, जो भी भाग्य में बिजनेस बिजनेस लिखा हुआ है 19 मई से 12 जून में बन जाएगा 4, 5, 6 जून 2024। इनकम वाइज 12 जून से 7 जुलाई जो है शुक्र इनकम हाउस में है, तो 12 जून से 7 जुलाई के बीच में इस धरती पे जितने भी मिथुन वाले हैं सिंह वाले हैं दे विल हैव ए न्यू सोर्स ऑफ इनकम बेटर देन बेस्ट। 19 मई से बेटर देन बेस्ट, 12 जून से 7 जुलाई जो है बेटर देन बेस्ट। उसके बाद जो शनि है शनि वक्री हो रहा है 30 जून से 15 नवंबर, कुंभ में शनि वक्री होगा 30 जून से 15 नवंबर 30 जून से 15 नवंबर के बीच में सिंह वालों को कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जो 30 साल चले, कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो 30 साल चले, कोई नौकरी मिल जाए, कोई बिजनेस मिल जाए, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिल जाए। जो सिंह वालों का शनि वक्री होगा 30 जून से 15 नवंबर तो आने वाले टाइम में कोई लंबे टाइम के, लॉन्ग टाइम के लिए 30 साल के लिए या लंबे टाइम के लिए कोई नौकरी या काम धंधा मिल जाएगा 30 जून से 15 नवंबर के बीच में जो 30 साल तक चलेगा, कोई प्रोडक्ट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। उसके बाद जो राहु है 18 मई को राहु आ रहा है कुंभ में, 18 मई को राहु आ रहा है कुंभ में, और 18 मई को जो केतु है वो आ रहा है सिंह में। राहु केतु का जो है ना विदेशों से संबंध बताता है, NRI फॉरनर्स मल्टीनेशनल, समझ ले कोई विदेश से संबंधित। 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में केतु है सिंह में, 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 में सिंह राशि वालों को ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी का काम मिल सकता है, कोई विदेश का काम मिल जाए, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का काम मिल जाए, मल्टीनेशनल बैंक का काम मिल जाए, कोई इनकम टैक्स का काम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुल मिला के जो है सही है।